प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल ट्वेंटी फाइव इस मॉड्यूल के अंदर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले मॉड्यूल्स के अंदर हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स को शेयर करते हैं और ये जो सर्टन सेट ऑफ फीचर्स हैं ये उस स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर तकरीबन एक जैसे होते हैं इसी तरीके से जब हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात की तो हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के मेंबर आपस में सेम होते हैं आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफिंग्स भी पैदा करते हैं अब जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था उसके हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे क्योंकि जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टिक स्पीशीज सिबलिंग स्पीशीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेजम्स के अंदर पोलीमॉर्फिज मौजूद होता है बहुत सारी वेरिएशन होती हैं तो क्या ये तमाम जो वेरियंट्स हैं इनको हम डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर करें इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर पहला जो ड्रॉबैक था हमने देखा कि ये ए सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता या जो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेजम्स उनके ऊपर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते इसी तरीके से हमने देखा सिब्लिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज़ के ऊपर भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से लागू नहीं होता इसी तरीके से जो फोसल रिकॉर्ड है उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर ये डिफाइन करना कि ये जो फोसल्स हैं ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट या ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे या नहीं ये बहुत मुश्किल है इसी तरीके से हमने एक वायलेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की ये भी देखी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफरिंग्स पैदा नहीं करते लेकिन जब हमने टाइगर और लाइन की एग्जाम्पल देखी तो उसमें जो उनके ऑफरिंग्स थे वो फर्टाइल थे तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे अब अगर हम एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट सिम्सन ने नाइनटीन के अंदर प्रपोज किया इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज है एवोल्यूशनरी स्पीशीज इज ए सिंगल लीनिएज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लीनिएज इन स्पेस एंड टाइम इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक लीनियज से बनते हैं एक जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर से वो एक लीनियज के जरिए जो है इवॉल्व होते हैं और ये जो लीनियज है ये इसी किस्म की जो दूसरी लीनियज है उससे डिफरेंट होती है उसके अलावा एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं दे हैव देयर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एन हिस्टोरिकल फैक्ट अब अगर हम एवोलूशनरी कंसेप्ट के बारे में देखें तो इनिशियली जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट था ये फोसल रिकॉर्ड के बारे में बनाया गया था कि फोसल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं या सेम स्पीशीज हैं क्योंकि बायलॉजिकल स्पीशियस कॉन्सेप्ट जो है वो फोसल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर स्पीशीज को डिफाइन करने में फेल हो गया था क्योंकि जो फोसल रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम ये अंदाजा नहीं कर सकते थे कि जो स्पीशीज़ के मेम्बर्स हैं ये आपस में ब्रीड करते थे या नहीं करते थे जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है लेकिन इस स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉमन फोकस है वो कॉमन डिसेंडेंट्स है यानी एक जो स्पीशीज के मेंबर होते हैं वो एक सिंगल लीनिएज से इवाल्व होते हैं और ये ऐसी दूसरी लीनिएज से डिफरेंट होते हैं अब ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं फॉर एग्जाम्पल इसके मुताबिक हमने ये देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं दे हैव देर ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज अब एक जो स्पीशीज के मेंबर की वो जो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं वो किस तरीके से उसको हम डिफाइन करें क्योंकि उनका जो इंडिपेंडेंट रोल है उसको डिफाइन करना मुश्किल है इसी तरीके से जो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये हमें ये तो बताता है कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो एक सिंगल लीनिएज से बनते हैं लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है वो किस तरीके से बने इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते